हाय दोस्तों आप सब लोगों का मेरा बी इंस्ट्रूमेंट गुरु यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों आप जान लेंगे कि यूट्यूब में कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आगे तक आपको वीडियो सब बता दूंगा इसके बारे में कि कॉपीराइट क्यों आता है, किस लिए आता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, इसके बारे में सब बताऊंगा। दोस्तों अंत तक ये वीडियो देखते रहेगा। दोस्तों आज तक मेरा था वीडियो को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अंत तक ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहली बात बताऊंगा कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट दो प्रकार के होते हैं, एक कॉपीराइट क्लेम होता है और एक कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। कॉपीराइट क्लेम के बारे में पहले दोस्तों बात करेंगे। एक्चुअली कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है, जब आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने के बाद आप उसको अपलोड करेंगे, सपोज मान लीजिए किसी का वीडियो यूज़ किया आप लोगों ने, किसी का वीडियो यूज़ करने के बाद उसमें जो म्यूजिक है वो म्यूट करना चाहिए। अगर वो वीडियो यूज़ किया और बीच बीच में आपने अपना वॉइस डाला और बीच में उनका म्यूजिक से लगाया, उस टाइम में क्या होता है, आपको कॉपीराइट क्लेम आने का बहुत चांसेस रहता है। किसी का वीडियो डाउनलोड करने के बाद, इस वीडियो में अपना वॉइस देने के बाद, उसमें जो वीडियो डाउनलोड किया उसका ओनली वीडियो यूज़ करने का, उसका अंदर का जो म्यूजिक है वो पूरा म्यूट करने का, तभी अपना वॉइस डालेंगे, तभी आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे वो कॉपीराइट क्लेम में नहीं आएगा, नहीं तो ये कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा। अभी तक मेरे वीडियो को, तीन वीडियो को इस तरह कॉपीराइट क्लेम आया है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। दोस्तों सबसे पहली बात है कि दोस्तों एक कॉपीराइट क्लेम आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है, जितने भी कॉपीराइट क्लेम आते हैं उसका जो व्यूज होते हैं, जो ओनर होता है उनको ये व्यू ऐड हो जाते हैं, अपने के लिए कुछ नहीं रहता। दोस्तों सबसे पहली बात है कि कॉपीराइट क्लेम आने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, जब भी का तभी डिलीट कर दीजिए। अगर ऐसे ही कॉपीराइट क्लेम आते रहेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल को प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों अगली बात है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है और कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक एक ही प्रकार के होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आता है, जब भी किसी का यूट्यूब में जो वीडियो है उसी को पूरी तरीके से आप बिना एडिट किए, बिना कुछ किए आप अपने यूट्यूब चैनल में उसको लगाते हैं, उसको लगाने के बाद उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करते, उसी को उसी तरह ही डाउनलोड करके एडिट कर देते हैं और वो पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद में उसका जो ओनर होता है, जिससे मान लीजिए उसने कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक डालने के बाद आपको 3 महीने में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे तो आपका यूट्यूब चैनल पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा। अगर 3 महीने में एक ही कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो आपको 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए आपको यूट्यूब को स्टॉप करके रखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों किसी का वीडियो यूज़ करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, इतनी मेहनत करके हम यूट्यूब चैनल को बनाते, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप इतने दिनों से यूट्यूब चैनल बनाया हो, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, आपका व्यू भी अच्छा है और आपका सब्सक्राइब भी अच्छा है, अगर गलती से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो 3 महीने के लिए आपको सस्पेंड होकर रहना पड़ेगा, 3 महीने के बाद फिर से आप चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी का वीडियो यूज़ करते हुए 10 बार सोचना चाहिए। दोस्तों आप कॉपीराइट क्लेम आया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप जो यूट्यूब चैनल बनाते हो सोच समझ के बनाइए, और उसका यूट्यूब जो वीडियो डाउनलोड करते हो उसको एडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे अच्छा आप खुद मेहनत करके यूट्यूब चैनल बनाते हो तो खुद मेहनत करके वीडियो बनाइए और सबसे अच्छा व्यू लीजिए और सबसे अच्छा सब्सक्राइब भी मिल सकता है इसमें। किसी का कॉपीराइट करने से, किसी का वीडियो कॉपी करके उसको एडिट करने से इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें अपना ही नुकसान है। दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम क्या है और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है इसी के बारे में तो आपको बता दिया है, लेकिन सबसे पहली बात है किसी का यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसको सक्सेस होना है तो बहुत ज़रूरी है उसका मेहनत क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसमें इतना टैलेंट क्या है, वो सब जरूरी है। दोस्तों इसीलिए आप खुद मेहनत कीजिए और खुद वीडियो बनाइए, जैसा बनाना है वैसा बनाइए और तभी आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस हो जाएगा और सामने होकर मोनेटाइज हो जाएगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों